बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और जिसमें 2019 पर रणनीति बनाई गई। कांग्रेस ने 300 सीटों की रणनीति बनाई है, सूत्रों के हवाले से जो अंदर से खबर आ रही है। और इस बैठक में गठबंधन का चेहरा राहुल गांधी को बनाने की मांग भी की गई है। सोनिया गांधी ने साफ साफ कहा कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा में भाषण दिया था विश्वास प्रस्ताव के दौरान, उसमें उनकी निराशा साफ साफ दिखती है। सोनिया गांधी ने यह बोलकर प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया है। और जो सबसे बड़ी रणनीति कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बनाई गई है, 300 सीटों को जीतने को लेकर रणनीति बनाई गई है। और इस दौरान जो 51 सदस्यीय वर्किंग कमेटी थी, वहां पर राहुल गांधी को गठबंधन दल का नेता बनाने की भी मांग उठी है। और जिस तरीके से अभी गठबंधन पर भी बात होनी है वर्किंग कमेटी में कि भाई किन पार्टियों के साथ गठबंधन करना है, लेकिन जो बड़ी बात निकल के सामने आ रही है वहां से कि 300 सीटों पर रणनीति बनाई गई है कि कम से कम कांग्रेस को 300 सीटों को जीतना है। और इसके अलावा जो वर्किंग कमेटी के लोग हैं, जो मेंबर हैं, उनकी राय सामने आई है कि राहुल गांधी को गठबंधन दल का नेता बनाया जाए और जो भी गठबंधन के सहयोगी होंगे उनको राहुल गांधी के नाम पर राजी किया जाए। एक मांग ये भी यहाँ पर अंदर से उठी है। वर्किंग कमेटी की ये बैठक चल रही है। राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले अपनी वर्किंग कमेटी का ऐलान किया था और जिसमें ये बैठक चल रही है। और हरीश खुराना जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए। हरीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। जी बहुत धन्यवाद। हरीश जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है और उसमें रणनीति ये बन रही है कि 300 सीटें जीतना है और निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी रहे, कि आप लोग निराश हो गए हो? देखिए, वैसे तो हर राज्य पार्टी का अपना अधिकार अपना अधिकार है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलता, लेकिन जिस प्रकार से अभी अविश्वास मत के अंदर जो कुछ हुआ उससे मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जो क्रेडिबिलिटी है वो डाउन हुई है और जिस प्रकार से लोग उनको नॉन सीरियस प्लेयर मानते हैं वो हरीश जी, जो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था उसी पर सोनिया गांधी ने कमेटी में वर्किंग कमेटी के बैठक में आरोप लगाया कि उनके भाषण देखकर निराशा झलकती है, प्रधानमंत्री निराश हो गए हैं, ये आरोप लगाया है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से राफेल डील के ऊपर एम्बैरेसमेंट हुई ना सिर्फ राहुल गांधी के बयान को लेकर हिंदुस्तान को, फ्रांस के राष्ट्रपति को और फ्रांस की सरकार को वहां खंडन जारी करना पड़ा, देश के लिए डाउन करने वाली बात है। चलिए हरीश जी, आप हमारे साथ बन रही है। अमरीश जी हमारे साथ जुड़ गए। अमरीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। धन्यवाद सर। सर, वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है और खबर छन के आ रही है कि 300 सीटों पर रणनीति आपकी बन रही है और वहां ये मांग उठ रही है कि गठबंधन का नेता राहुल गांधी को बनाया जाए, क्या इसको लेकर पहले से रणनीति बन गई कि राहुल गांधी गठबंधन दल के नेता होंगे? कम से कम आपकी वर्किंग कमेटी में इसमें सहमति बन गई है क्या? नहीं, पहली बात तो वर्किंग कमेटी की जो भी बातें होगी वो ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पार्टी के जो सोर्स हैं मीडिया इंचार्ज वो आप लोगों को दे देंगे। हाँ। अटकलों पे और बाहरी लोगों की तरफ से क्या खबरें आ रही हैं, हाँ, उस पे मैं कोई बयान नहीं दूंगा। हाँ। और रही बात लीडर की, तो राहुल गांधी नो डाउट लीडर, ही इज ऑलरेडी लीडर, वो हमारे नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन सवाल ये है ना, सवाल ये है कि आपको बीजेपी को रोकना है, आपको मोदी को रोकना है, तो आप महागठबंधन बनाएंगे। अब सवाल ये भी उठ रहा है, जो अंदर से खबर आ रही है कि आपके तमाम जो नेता हैं वहां वो डिमांड कर रहे हैं कि महागठबंधन का नेता राहुल गांधी को बनाया जाए, तो क्या लगता है कि जो गठबंधन के साथी होंगे वो इस पे तैयार होंगे? क्या रणनीति बन रही है? देखिए, पहली बात मैं दो चीजें कहूंगा, जो इंटरनल क्या बातें उस पर कोई टिप्पणी अभी नहीं करूंगा। हाँ, ठीक है, बचाव कर रहे हैं और हमारे आंतरिक मामला है, पहला चीज जी। दूसरा चीज कह रहा हूँ कि गठबंधन का नेता जो होगा वो पार्टी डिसाइड करेगी और आपके सामने होगा। दूसरा, आप तीसरी चीज एक बात कहूंगा जी, मुझे किसी को रोकना नहीं है, हमें देश को बचाना है एक ऐसे व्यक्ति से जो झूठ की बुनियाद पे सरकार चला रहे हैं, ठीक है, और जो अविश्वास प्रस्ताव में उनके भाषणों में खुद के झलक रहा था कि पहली बार पढ़ के वो भाषण दे रहे थे और गिनवा रहे थे कि एक व्यक्ति ने ऑटो खरीदा और ऑटो को दो शिफ्ट में चलाने से दो ड्राइवर लगेगा तो चलो दो लोगों का रोजगार हुआ,
आपने गाड़ी खरीदी और गाड़ी से एक ड्राइवर रखा तो वो रोजगार हुआ। तो जिस तरीके से उनके तमाम वादे, उनके तमाम चीजों का जो विवरण उन्होंने दिया वो खोखलेपन से दिखाया गया जी। एक सच में जो कहते हैं ना, अमरीश जी आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ हरीश खुराना जी भी हैं, बीजेपी नेता है। हरीश जी, जिस तरीके से आपने अमरीश जी को सुना वो ये कह रहे हैं कि भाई जो रोजगार देने को लेकर प्रधानमंत्री ने भाषण दिया उसमें ऑटो खरीदा, उससे दो लोगों को रोजगार मिला, इस पर वो ताना मार रहे हैं आपको, ये तो आप गुमराह कर रहे हैं। भाई देखो, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ रखा गया। अगर अगर राहुल गांधी को इतनी ही चिंता थी कि फैक्ट्स रखते ना, एक भी दस्तावेज पार्लियामेंट के पटल पर ही रखा, पहली बार। दूसरी बार जो आपने 300 सीटों की बात करी है, अभी तीन दिन पहले इन्हीं की सोनिया गांधी जी ने सब सबके सामने क्लेम किया था कि नंबर हमारे पास है, वो सब देख लिया कि नंबर्स किसके पास थे और नंबर्स को कैसे, जो इनके पास जो संख्या थी उससे भी कम इनको इनको वहां समर्थन मिला अविश्वास प्रस्ताव में। नहीं, हरीश जी, अमरीश जी ने आपको रोजगार देने वाले वादे पर सवाल उठा दिए कि जिस तरीके से आपने रोजगार देने का आंकड़ा गिनवाया है उस पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। भाई इनके इनके सवाल खड़ा करने से कुछ नहीं होता ना, फैसला जनता करेगी ना। और जनता आज की डेट में 2014 से लेके आज तक कितने चुनाव हुए हैं राज्यों के, उसमें आप देख लीजिए कांग्रेस का क्या हाल हुआ है। फैसला जनता करने वाली है। कांग्रेस चैनल पर बैठ के आरोप प्रत्यारोप करते रहे, लेकिन जहां आरोप प्रत्यारोप निश्चित करने की बात आती है पार्लियामेंट के पटल पे, उस पे उनका जवाब नहीं होता। पहली बार या तो जनता के सामने जाए, जनता का इनको विश्वास मिल नहीं रहा, जनता इनको इनको समर्थन दे नहीं रही, इनको पूरी तरह हरा रही है। और मुझे लगता है कि अब अगर ये बात कर रहे हैं 300 सीटों की, ये बताइए यूपी के अंदर कितनी सीटें आएंगी, ये बताइए बिहार के अंदर कितनी सीटें आएंगी, ये बताइए मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी, जहां इनका खाता जीरो है। ठीक है, ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। अमरीश जी, अमरीश जी जवाब दे दीजिए खुराना जी को। नहीं नहीं, किस चीज का जवाब दूं उनका? वो ये पूछ रहे हैं कि भाई कितने सीटें आप यूपी में एमपी मिला सकते हैं, ये पूरे कॉन्फिडेंस है कि भैया इनको बढ़िया सीट मिलने वाली है। मेरी बात, मेरा मामला सीट कितने आए, सरकारें आए या ना आए, उस मामले से नहीं है। राष्ट्र बचना चाहिए और राष्ट्र में जो वोट भागीदार है उनके साथ भला होना चाहिए, तो वादे किए जाए उनको। और रही बात जवाब देने का, कब तक जवाब हमसे मांगते रहेंगे? 4 साल से सरकार में है, सरकार में जवाब देने का हक जो है ना वो सरकारी विपक्ष वाले को होता है। ठीक है, कब तक दूसरों से सवाल का जवाब मांगते रहेंगे? वो जवाब दें कि महिला के साथ सुरक्षा के ऊपर क्या हुआ, वो जवाब दें कि महंगाई के ऊपर इन्होंने क्या किया, बेरोजगारी पे क्या किया, दलितों पे अत्याचार पे इन्होंने क्या किया, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उनपे क्या किया, किसान के लोन माफी पे क्या हुआ, जवाब इनको देना चाहिए। 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी, वो रोजगार कहाँ गया? तो जवाब इन्हें देना है, मुझे किस चीज का जवाब, मैं कौन होता हूँ जवाब देने वाला? हरीश जी, हरीश जी जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा क्योंकि चुनावी मैदान में आप भी उतर रहे हैं और ये सवाल उठेंगे और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। सुनिए मेरी बात को जी। आज एक चर्चा हो रही है कि 300 सीटों पर क्लेम किया कांग्रेस ने, मेरे तो सीधा सा एक सवाल है, 80 सीटों पर अगर 5 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बिहार में 40 में से 5 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, साहब आप भूल गए हैं आपके गठबंधन में कितने लोग हैं, तो कहां से सीटें आएंगी मुझे समझाइए ना। नहीं, आपकी क्या रणनीति है, आपकी क्या रणनीति है? जो उपचुनाव हुए, 3 उपचुनाव हुए, ये लोग तो सिर्फ बाहर से समर्थन दिए थे, आप तीनों जगह पर आपको मुंह की खानी पड़ी। अगर ये लोग महागठबंधन के साथ मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी के पास क्या रणनीति होगी? आप एक बात समझ लीजिए, उपचुनाव होते हैं, बीजेपी के पास इनका एक पुराना साथी पाकिस्तान है जी। हरीश जी देखिए, एक बात समझ लीजिए, उपचुनाव जो होते हैं किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को चुनने के लिए नहीं होते हैं, उपचुनाव होते हैं दूसरी चीजों के लिए। अब आए ना, हम तो कह रहे मैदान में आइए, ये 300 सीटों की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा 44 सीटें इनकी अगर पूरी आ जाए तो वो गनीमत है। आज इस प्रकार से 44 सीटें पिछली बार की 2014 के अंदर आई थी, अगर उसी को रिपीट कर ले तो बहुत बड़ी बात है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है अमरीश जी, छोटा जवाब, अमरीश जी छोटा जवाब दीजिए फिर, छोटा जवाब। इतना ही कहूंगा कि बस में तेरे है जब तक किए जाए ड्रामा, हर शख्स अभी तेरी तरफ देख रहा। रावण का भी अहंकार चुरा हुआ था, जिस तरीके से खुराना साहब एक रावण की तरह अहंकारी की तरह बात कर रहे हैं, बहुत जल्द जवाब मिलेगा। चलिए अमरीश जी आपका, हरीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।